भाजपा ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने पर निष्कासित कर दिया है। काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होने वाला है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा के हवाले से जारी पत्र में भोजपुरी गायक को पार्टी अनुशासन के विरुद्ध कार्य करने पर निष्कासित करने की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से भाजपा का टिकट ठुकराने के बाद पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का घोषणा किया था। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। एनडीए ने यहां से उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है। उपेंद्र मई 2014 से दिसंबर 2018 तक मोदी के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। किसी समय जदयू का हिस्सा रहे कुशवाहा नीतीश कुमार से मतभेद के चलते पार्टी से अलग हो गए थे और उन्होंने रालोसपा के नाम से अपनी एक नई पार्टी बना ली थी। पवन की एंट्री ने उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल भाजपा पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर मुकाबले को बिहारी बनाम बिहारी बनाना चाहती थी, लेकिन पवन सिंह ने भाजपा की इस पेशकश को ठुकरा दिया था और तृणमूल ने आसनसोल से बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया है। काराकाट सीट परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आई थी। इससे पहले यह सीट बिक्रमगंज के नाम से जानी जाती थी। वर्तमान में इस सीट से जदयू के महाबली सिंह सांसद हैं, लेकिन एनडीए में हुए सीटों के बंटवारे में यह सीट जदयू के हाथ से निकल गई थी। 2019 में महाबली ने उपेंद्र कुशवाहा को 84,000 से ज्यादा मतों से हराया था।